हाय गाइज, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज़, हम जा रहे हैं दुल्हनिया को लेने। जी हाँ, बारात जा रही है आज, और हम अपनी कार से गए थे। हमारे साथ पापा थे और पापा के एक फ्रेंड थे, और जो हमारे मौसा जी लगते हैं, और तीनों दीदी, मैं और बाबू, मतलब पूरे जन पाँच जन थे। तो तीन जन पीछे, दो जन आगे, ऐसे करके पाँच जन हमारी कार में बन गए थे। काफ़ी लेट हो गया था निकलते निकलते। एक्चुअली मैं जब बारात निकलेगी उसके बाद ही हम लोग निकलते, इसलिए बारात ही थोड़ी लेट हो गई थी। बोला तो था कि 7 बजे तक हर हाल में वहाँ पहुँचना है, बट ऐसा हो नहीं पाया था। तो वहाँ पे व्यवस्था की गई थी एक हॉल में। सो यहाँ पे हम लोग उस हॉल में आ चुके हैं, और शादी गांव में हुई है। सो ऑब्वियस है कि गांव में होता क्या है कि स्कूल वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे रुकाया गया था। मिशी तू स्माइल करो बेटी, मिशी एक हंस नहीं पा रही हो तुम। अरे तैयार होएगा तो यहाँ पे हमने टचअप कर दिया है सिब्बू का। वैसे टचअप नहीं, उसका पसीना इतना ज़्यादा हो चुका था ना कि उसका पूरा चेहरा ख़राब हो गया था। तो फिर पूरा ऐसे टोनर वगैरह से अच्छे से हमने क्लीन करने के बाद, उसके बाद ही उसको थोड़ा सा कैसे बोलते, फेस पाउडर अप्लाई किया था। फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं अप्लाई किया था, क्योंकि बहुत स्वेट होता है उसको, तो देख सकते हैं। अब ये लोग उसको थोड़ा बहुत परफ्यूम, थोड़ी उसको शेरवानी को संभाल रहे थे। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, बस बारात के लिए निकलना है। आप हमारी वीडियो बना रही हैं, हम आपकी वीडियो बना रहे थे, भी अच्छा है। पसीना तो सिब्बू अपरंपार आ रहा ना, तो देखो बारात वहाँ से निकल चुकी है, और आप देख सकते हैं बग्गी पे बारात जा रही थी। वहाँ पे घोड़ा पे ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बारात स्कूल से थोड़ी दूरी पे जाना था, एंड मिशिका को वहीं पे बिठाल दिया गया था, क्योंकि जो दो तीन बच्चे थे वो भी। और सब लोग देखो कितना डांस कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बारात में डांस होता है, मतलब सबसे ज़्यादा। वैसे तो हर ही फंक्शन में डांस होता है, बट बारात में अगर मैं पूरा वीडियो एडिट करती नहीं ना, तो 1 घंटे का पूरा था, पूरे 1 घंटे का रिकॉर्ड भी मैंने कर लिया था, पता नहीं क्यों पागलों की तरह। सो यहाँ पे डांस हो रहा है, चलो आप लोग डांस एंजॉय करो, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे।
सो आप सभी को पता है कि मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मैंने मंच को ले लिया था। टीनू दीदी डांस कर रही थी और पटाखे वगैरह ये खाल रहे थे। पापा जी बहुत आंगे थे क्योंकि पापा घर के सबसे बड़े हैं ना, दादाजी कहलाते हैं वो सबसे। सो इस वजह से उनका टीका पहले होता और उन लोगों को पहले स्वागत किया गया था। हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे, वो लोग आगे निकल चुके थे। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डांस हुआ था और मैं आपको बता दूँ कि डीजे बहुत आगे था, मतलब आपको लग रहा है कि पीछे, बट बहुत आगे था डीजे। उसमें बीच में मतलब आगे बॉयज वगैरह डांस कर रहे थे और इस साइड गर्ल्स डांस कर रही थी, और वो जस्ट इसलिए क्योंकि दोनों मिक्सअप होते हैं तो वो अच्छा भी नहीं लगता, किसी के लिए कंफर्टेबल होता किसी के लिए नहीं होता है। इसलिए आप देख सकते हैं बीच में थोड़ा सा गैप है, तो बीच में नगाड़े वगैरह थे और आगे डीजे था जहाँ पे बॉयज वगैरह डांस कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके से था और वो सारा मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे कि मैंने बोला कि गाँव की बारात है तो आपको वैसे ही दिखेगा, और बारात को लगते लगते 11 बज चुके थे जी। हाँ, बहुत ही लेट हो गए थे। तो फाइनली हम लोग मंडपम में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि काम करते हैं, थोड़ा सा बैठ के उसके बाद खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर दुल्हन आ जाएगी तो उसी चक्कर में फिर रह जाएंगे खाना पीना के लिए। और बच्चे रहते हैं ना साथ में तो ये रहता है कि पहले खाना खा लो, फ्री हो जाओ। सो यहाँ पे हम लोग वही बात कर रहे थे कि चलो थोड़ा सा रेस्ट करो, पानी पी लो, थोड़ा बैठ लो उसके बाद, क्योंकि एक घंटे लगातार चल लिया था बारात में, एक घंटा समथिंग लग गया था, तो इस वजह से थक भी गए थे, काफ़ी थक गए थे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो यहाँ पे मैं वही डिस्कशन कर रही थी डेकोरेशन के को लेके और भी बहुत सारी बातें जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। कुछ पर्सनल बातें होती हैं जो शेयर नहीं करना, मैं किसी को देख के कुछ बता रही थी दीदी को। और यहाँ पे मिशिका के बाल खुल गए थे तो दीदी उसका जूड़ा बना रही थी, क्योंकि उसके बाल पूरे छूट गए थे डांस वगैरह में, वो बग्गी में थी ना तब वहाँ पर खुल गए थे उसके बाल। चलो मिलते हैं। देखो इधर, अरे मिशी के बाल हेयर स्टाइल हो गई है खराब, उसका बना जूड़ा। हमारी मेहंदी का कलर ठीक ही ठाक रचा, ज्यादा कुछ खास नहीं रचा। चलो शादी हो गई हमारी भी मिशी का से, मैं मिशी का। हाँ दीदी ने जूड़ा बना लिया, हम माला पहन के बैठे। खैर हमारा जूड़ा दिखेगा अगर हम बना लेंगे, बट बहुत नीचे लटका मेहंदी। आपकी तो काली इधर, आपकी दो दिन पहले लगी ना तो रच गई वो। हमारी भी रात भर हो जान दो, मैं आदमी का रात भर में प्यार निकल जाता है। सबके आदमी को रात ही नहीं, रात ही में काय रचती मैं, लीजिए बताओ आप, कोई लॉजिक है इसका? लो माला, माला अरे ये माला ऊपर कर लेना, इधर कौन बैठा है तेरा?
खुशी हंसो थोड़ा। शादी हो रही है, ये सब बहुएं हैं हमारी, सास बैठे हैं इनकी। ये और ये वो नातन है। तुम तो और बड़ी वाली हो, तुम हम तुम्हारी दादी हैं बेटा, नानी नानी है, तुम काय चिंता कर। हैप्पी बर्थडे का पापा और बाबू इतने दूर बैठे हैं कि पिक्सल ऐसे फट रहे वीडियो के, क्या होता है दिख ही नहीं रहे, कैप्चर ही नहीं हो रहे। तो ये कहो कि इसमें जरूरत से ज्यादा जूमिंग है, फ्रंट में बस नहीं है। सो गाइस फाइनली दुल्हन आ गई हैं और इनका नाम है नंदिनी जी। हाँ, ये मेरी बहू लगती हैं। सो मैं बता दूं आप लोगों को कि इनकी एंट्री हो चुकी थी कुछ इस तरीके से। बाकी इनके यहाँ पे ना भाई लोग, मामा लोग, इनकी पूरी शादी मामा के यहाँ से हुई है। सो इनके जो मामा है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा भाई लोग हैं, तो उन लोगों ने सब ने अपनी हथेलियों पर चलवाया था। तो आप देख रहे हो ना, एक एक करके, ऐसे भी नहीं था कि आगे पीछे, सब एक एक करके भी आए थे ना, तो इतनी भीड़ हो गई थी, कुछ पीछे से चले ही आ रहे थे, चले ही आ रहे थे। मैं तो पूरी एंट्री आपको दिखाई भी नहीं, फिर थोड़ी दूर बोला कि ऐसे ही डायरेक्ट लेके आओ, क्योंकि ऑब्वियस है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हथेलियों पे चलाना। मतलब अच्छा लगता है, बट एट द सेम टाइम लहंगा इतना भारी होता है कि दिक्कत होती है। सो ये है थोड़ा क्लोजअप में लुक नंदिनी का, काफ़ी प्यारी लग रही थी, वैसे भी बहुत सुंदर है। वो कैसे बोल सकते हैं, वैसे तो है ही सुंदर देखने में, बाकी मन से भी बहुत सुंदर है, अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है, बाय नेचर भी बहुत ही बढ़िया है। सो यहाँ पे शिब्बू वेट कर रहे हैं कि कैसे आ जाए उनकी फटाफट से दुल्हनिया, कहता डायरेक्ट तो लेके आ जाओ। तो फिर ऐसे यहाँ पे मंस बैठे अपने दादाजी की गोदी में, ये देखिए कैसे कर रहे हैं मंस महाराज। वो बस पापा होने चाहिए, या मैं होनी चाहिए, या उनके खुद के पापा होने चाहिए, इतने लोगों के पास अच्छे से रहता, बुआ के पास ज़्यादा खास तरीके से नहीं रहता। अगर शानू बुआ हो तो बात अलग हो जाती है। सो नन्नी स्टेज पे पहुंच चुकी हैं और इसके बाद है? पता है एक समथिंग बजने को आ गया था। हम लोगों ने खाना पीना खाने के बाद एंट्री जो हुई थी शायद 12:30 बजे समथिंग हुई थी। तो फिर हम लोग पूरी शादी में वहाँ नहीं रुके थे, सिर्फ स्टेज तक ही रहे थे, उसके बाद हम लोग घर पहुँच गए थे। सो बस जैसे ही जयमाल कार्यक्रम होगा हम घर निकलेंगे, लेकिन उसके पहले इन लोगों की एंगेजमेंट भी हुई थी स्टेज पे, और जिसका मैं थोड़ा सा लुक दिखा दूंगी। मेरे साथ ना मिशी का थी, तो मैं सबको शूट नहीं कर पा रही थी, जितना कर पा रही थी कर रही थी। मैंने कहा पूरा शादी ब्लॉग बनाया, अगर ये ब्लॉग नहीं बनाया तो लोग बोलेंगे कि शादी का ब्लॉग बनाया, बारात का ब्लॉग नहीं बनाया। सो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही प्यारी जोड़ी लगी मुझे, तो अच्छी लगी। आप लोग बताएं जोड़ी कैसी है, दुल्हन कैसी लगी आप लोगों को। वैसे तो मुझे बेस्ट जोड़ी लगी, अच्छी लग रही थी दोनों साथ में, जब खड़े हो रहे थे ना तो बहुत प्यारे लग रहे थे, और पूरी शादी भी बहुत अच्छी रही थी, तो इस वजह से सब कुछ अच्छा लग रहा था। चलो मैं म्यूज़िक ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये सब आपको म्यूज़िक में ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। चलो जयमाल होने के बाद हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाए थे, और फिर हम लोग निकले थे घर की तरफ, क्योंकि ज़्यादा लेट हो रहा था और मंस मिशी का दोनों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से हमने सोचा चलो घर निकलते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय। इसी के साथ हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं।